शमीम खान से पूछिए। शमीम खान बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जैसे जैसे 29 अप्रैल नज़दीक आ रहा है, चुनावी प्रचार तेज हो रहा है। एनसीपी के ब्लॉक अध्यक्ष बबलू सेमना ने बॉम्बे कॉलोनी में सभा आयोजित की थी। इसमें कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार बाबाजी पाटिल भी मौजूद थे, मगर चुनाव के मद्देनजर इस सभा में जनता की काफ़ी कमी थी। शहर में चर्चा ये भी है कि एनसीपी के ही लोग एनसीपी के कार्यक्रम में जनता को जाने नहीं दे रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है। शायद यही वजह है कि कार्यक्रम में जनता ना के बराबर थी। बाबाजी पाटिल फिर भी 1,00,000 वोटों से जीतने का सपना देख रहे हैं। पाटिल जी, आप चुनावी सभा में दौरा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता आपके साथ में है? किस तरह का आपको जनता की तरफ से रिस्पॉन्स? आज 15 दिन से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन इतना रिस्पॉन्स मिलता है कि मैंने लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं था। इधर के स्थानिक भूमि पुत्र देने के कारण इधर के 140 गाँव मैं आज घूम रहा हूँ, और मेरे को पूरा विश्वास है कि 1,00,000 वोट से जीतेंगे। सुना आपने, बाबाजी पाटिल 1,00,000 वोटों से जीतने का सपना आंखों में संजोए घूम रहे हैं, मगर मुंब्रा में किस तरह से बाबाजी पाटिल की सभा हो रही है, सभा में जनता की कमी, ऊपर से बाबाजी को इस चुनाव में जीतने के लिए जिसका साथ चाहिए वही सभा से नादारद है। हम बात कर रहे हैं कलवा मुंब्रा आमदार जितेंद्र आवाट की। बाबाजी पाटिल की सभा खत्म होने के बाद आमदार जितेंद्र आवाट वहां पहुंचे। जब हमने जानना चाहा कि बाबाजी पाटिल को आपका किस तरह से समर्थन है, तो उनका जवाब क्या है? लोक कल्याण लोकसभा सीट का जो चुनाव है, इसमें जो एनसीपी के जो कैंडिडेट है वो खड़े, तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो उनकी चुनावी सभा जो है वो कम हो, तो ऐसे में क्या एनसीपी की तरफ से उन्हें जो है किया जा रहा है या उन्हें फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है? शमीम खान से पूछिए। नहीं, आप यहाँ के आमदार हैं और एनसीपी के आमदार हैं, आप उनके जो वो बताएंगे नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, शमीम खान बताएंगे। कुछ ऐसा चुनावी मुद्दा भी जो है नहीं आ रहा मैनिफेस्टो में, क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आपकी मुमता? शमीम खान बताएंगे। आप नहीं बताएंगे, हमारे अध्यक्ष। तो सुना आपने, ये पार्टी के जिम्मेदार हैं और जवाब सिर्फ शमीम खान बताएंगे। आमदार ये हैं, बताएंगे शमीम खान। और बाबाजी पाटिल 1,00,000 वोटों से जीतने का सपना लिए घूम रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बाबाजी पाटिल का सपना साकार होगा भी या नहीं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।